हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, वेलकम बैक इन माय क्लास वंस अगेन। आज आपके क्लास में हम बताएंगे कि कैसे किसी व्यापक घटना का प्रभाव जो है जीवन के हर क्षेत्र में पड़ता है। हम जैसा देख रहे हैं, आज समूचा विश्व कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरी तरह ग्रसित। इसका विस्तार विश्व के लगभग अधिकतर भागों में हुआ है। इसी कारण विश्व के हर भाग के लोगों का जीवन जो है व्यापक रूप से प्रभावित हुआ है। ठीक, बड़ी घटना है ये, वैश्विक घटना है, ग्लोबल इंसिडेंट, ग्लोबल जो है ये वास्तव में कह सकते हैं कि प्रॉब्लम है, समस्या है, सबसे बड़ा संकट है। ठीक वैसे ही 1789 में जो रिवॉल्यूशन फ्रांस में आया, द ग्रेट फ्रेंच रिवॉल्यूशन विच हैपेंड इन 1789 हैड ऑल्सो ऑल अराउंड इन्फ्लुएंस ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल इन फ्रांस। इट नॉट ओनली चेंज्ड the political system but also had a great impact on the daily life of the people। जन सामान्य जो फ्रांस का था, कॉमन पीपल, थर्ड स्टेट से जो बिलोंग करने वाले थे, या बल्कि एलिट क्लास के लोग हों, नोबिलिटी के लोग हों, चर्च के लोग हों, क्या सिटी एरिया टाउनशिप और क्या देहात रिमोट विलेज, हर जगह इस क्रांति के प्रभाव नजर आ रहे थे। किस रूप में देखें, लीडर्स ऑफ रिवॉल्यूशन वांटेड टू ट्रांसलेट द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी टू एवरीडे प्रैक्टिस थ्रू पासिंग रीजनेबल लॉज। हम जानते हैं, आज भी इस बात को समूचे विश्व में मान्यता दी जाती है कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी लाइक जो आइडियल्स है वो द ग्रेट रिवॉल्यूशन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 की ही विश्व को देना। तो उस समय के लीडर्स भी यह चाहते थे कि फ्रांस के लोगों के जीवन में ये सिद्धांत इस प्रकार से घुल मिल जाए, वो लिबर्टी हो या इक्वालिटी, कि वो इसको सहज रूप से अपना लें, जीवन के हर क्षेत्र में उनको इस प्रकार से बिहेव करना आ जाए कि इक्वालिटी को वो फॉलो करें, लिबर्टी को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लें। इसीलिए लीडर्स ऑफ रिवॉल्यूशन वांटेड टू ट्रांसलेट द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी इनटू एवरीडे प्रैक्टिस थ्रू पासिंग मेनी लॉज। समय समय पर जब आवश्यकता हुई तो कई प्रकार के जो है लॉज भी, इससे संबंधित कानून भी पास किए गए ताकि लोगों के जीवन में परिवर्तन आ सके और क्रांति के जो आइडियल्स थे उसको मूर्त रूप दिया जा सके, समाज के जीवन में, लोगों के जीवन में उतारा जाए उसको। और इसके लिए क्या किया गया, सबसे पहले अगर हम देखें तो जैसे ही फॉल ऑफ बेस्टिल होता है, नेशनल असेंबली का प्रभुत्व पड़ता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के प्रोसेस में तो है ही, लेकिन सबसे पहले वो करता क्या है, ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन सेंसरशिप वाज एबॉलिश। पहला काम जो किया गया, जो मोनार्की के अंतर्गत लोगों के बोलने पर, एक्सप्रेशन पर रोक, सेंसर लगा हुआ था, उस सेंसर को समाप्त कर दिया गया। नाउ पीपल कुड यूज देयर राइट टू अ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एज नेचुरल राइट। अब वो किसी भी विषय वस्तु पर अपने विचार व्यक्त कर सकते थे, बोलने की आजादी थी, वो लेख लिख सकते थे, वो ड्रामा, सॉन्ग या पोएम, नॉवेल इत्यादि के द्वारा अपने आप को, अपने विचारों को जनता के सामने, कॉमन पीपल के सामने प्रस्तुत कर सकते थे। इस तरह से सेंसरशिप के हट जाने से वास्तव में इंटेलेक्चुअल जो एक्टिविटी है उसमें काफी अधिक विस्तार होता है।
फैलाव होता है, उसका स्कोप बढ़ता है। वेरियस लॉज वेयर पास बाय द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टू प्रैक्टिस लिबर्टी एंड इक्वालिटी इन एवरीडे लाइफ ऑफ द पीपल। जब ही ऐसी आवश्यकता हो, उसे देखते हैं रेनॉल्ड टेलर में क्या किया गया, ड्यूरिंग रोबेस्पियर ने क्या किया गया, इक्वालिटी को एकदम जो है कह सकते हैं एक्सट्रीम वे में उसको लागू करने की कोशिश की। इवन इक्वालिटी ब्रेड जो दिया जाता था लोगों के लिए, राशनिंग जो कर दी गई लोगों के भोजन का, भोजन के ऊपर है ना, मीट भी जो राशन हो गए, तो किस लिए, लोगों को यह बताने के लिए सबका अधिकार बराबर है। हालांकि एक्सट्रीम सेंस में इसको लागू किया गया, वो अति सर्वत्र वर्जित एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड जो कहा जाता है, उसका कुछ निगेटिव प्रभाव भी पड़ा, लेकिन उस समय इस प्रकार का वास्तव में लोगों में एटीट्यूड था, मानसिकता थी खास करके लीडर्स में, कि हर हाल में लोगों को लिबर्टी क्वालिटी लाइक जो है आइडियल्स है इस प्रकार से घुट्टी में पिला दिया जाए कि जीवन में उसको सहज रूप से लोग अपना लें। दैट्स व्हाई नाउ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बिकेम नेचुरल राइट। अब एक सामान्य सा जो है अधिकार था, प्राकृतिक अधिकार के रूप में लोगों के बीच इसको स्थापित कर दिया गया, लोगों ने माना अपनाया इसको, जो कई प्रकार के जो कल्चरल जो एक्टिविटीज होते थे स्कूल कॉलेज से लेकर के जो अलग अलग प्रकार के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे या सामान्य सोसाइटी में जो तरह तरह के इवेंट्स थे, ड्रामा जो प्ले किया जाते थे, डिफरेंट प्रोग्राम जो किया जाते थे है ना, थिएटर ओपेरा हाउस सब जो थे, उन सबों में भी इन आइडियाज को डिफरेंट फॉर्म्स में थ्रू परफॉर्मिंग आर्ट्स, थ्रू स्पीचेज, थ्रू सेरेमोनियल प्रोसेशंस सामने लाया गया, लोगों के जीवन में वास्तव में इसको इस ढंग से घुला मतलब इसको कह सकते हैं कि डाल देने का प्रयास किया गया, इसका इस तरह से घाल मेल कर दिया गया कि लोगों को पहले के जीवन और आज के जीवन में सहज रूप से अंतर नजर आने लगे। क्रांति के पूर्व का जीवन और क्रांति के बाद का जीवन जो है फ्रांस में वास्तव में दोनों के बीच में कितना परिवर्तन हो, कितना समाज बदल गया, कितना जो है कल्चर बदला। डिफरेंट प्लेज सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेशंस दैट कंटेन्ड आइडियाज लाइक लिबर्टी जस्टिस एंड फिलोसफी वाइडली अट्रैक्टेड द एजुकेटेड, खास करके ऐसे चीजों को निश्चित तौर पे जो समाज का जो है जागरूक तबका है यानी इंटेलेक्चुअल तबका है उसको सहज रूप से ग्रहण कर लेता है। इंटेलेक्चुअल लोग आगे आकर इन चीज़ों को सबसे पहले जो है ना, वास्तव में सब इनोवेटिव आइडिया है और वास्तव में जीवन में जो परिवर्तन उस समय हो रहे थे पहले पहल जो है, खास कर सकते हैं कि सिटी एरियाज में इस प्रकार के पहले परिवर्तन दिखे, बाद में इसका प्रभाव जो है व्यापक रूप से और दूर दूर तक जो है धीरे धीरे है ना ग्रेजुअली जैसे जैसे इन विचारों का फैलाव हुआ, नए नए जो कानून आए उसको इस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया गया, तो यही विचार जो है इस प्रकार के जो परिवर्तन जो हैं कह सकते हो कि ये जो नवोन्मेष है सामाजिक क्षेत्र में सांस्कृतिक क्षेत्र में वो नजर आने लगा देहाती क्षेत्रों में। व्यूज एंड आइडियाज ट्रेवल वाइडली इन टू कंट्री साइड, निश्चित तौर पर नो डाउट एलिट क्लास जो फ्रांस का था, हायर मिडिल क्लास इवन लोअर मिडिल क्लास लिविंग इन अर्बन एरियाज वर इफेक्टेड वेरी फर्स्ट टाइम इन इट्स प्रीमियर स्टेज कह सकते हैं, सबसे पहले इन लोगों के जीवन पर ही प्रभाव पड़ा धीरे धीरे, चूंकि अब जो है देहाती क्षेत्रों से शहरी क्षेत्र की ओर और शहरों से देहाती क्षेत्रों की ओर लोगों का जो है माइग्रेशन और इमिग्रेशन जो हो रहा था, खास करके ट्रांसफर ऑफ जो है वास्तव में पॉपुलेशन हो रहा था, इसने लोगों के बीच में इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और जो नए नए कानून जो पास किए गए विभिन्न गवर्नमेंट्स वन आफ्टर अनदर जो आई खास करके रिवोल्यूशनरी पीरियड में फ्रांस में, उनके प्रयासों के कारण ए आइडियाज और आइडियाज देहाती क्षेत्रों तक पहुंच गए, वहां के भी जो है ना कह सकते हैं कि जो
द पीपल लिविंग ऑन द बॉटम लाइन इन फ्रेंच सोसाइटी हैड ऑल्सो बीन इन्फ्लुएंस्ड वेरी मच फ्रॉम दीज आइडियाज एंड दे हैड ऑल्सो अडॉप्टेड एंड देयर लाइफ हैड बीन ऑल्सो चेंज वेरी मच थ्रू दीज आइडियाज एंड आइडियाज जो चेंज आए वो कॉमन पीपल के भी जीवन में परिलक्षित होते थे रिफ्लेक्ट होते थे इस तरह से ये जो प्रभाव है जो परिवर्तन का जो वास्तव में जो असर जो है समूचे फ्रांस में लोगों के दैनिक जीवन में डेली लाइफ में नजर आने लगा तो कह सकते हैं कि रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 इन फ्रांस हैड नॉट ओनली चेंज्ड द पॉलिटिकल एटमोस्फियर पॉलिटिकल सीन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पॉलिटी इन फ्रांस बट ऑल्सो इट हैज चेंज्ड वेरी मच कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्म रियली द फ्रेंच सोसाइटी एंड कल्चर ऑल्सो आज के वीडियो में इतना ही अब जो इसका नेक्स्ट भाग जो है यानी कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर आई डिस्कस इन फर्दर वीडियो इन कमिंग वीडियो तब तक आप इंतजार करें थैंक यू